दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां पर पुरानी कहानी, किस्सों, दंत कथाओं और मिथकों में अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक किरदार है जलपरी। जलपरियां वास्तव में होती हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि तो आज तक नहीं हुई, लेकिन हाँ, ऐसे कई सबूत हमारे सामने आए हैं जिन्होंने कभी न कभी जलपरियों के अस्तित्व में होने की बात पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। यूं तो हमने कहानी किस्सों में, कार्टून मूवीज में अक्सर जलपरियों को सुना और देखा है, लेकिन आज हम आपको इन जलपरियों से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। ग्रीक लोक कथाओं का मुख्य किरदार जलपरी, जिसे मरमेड भी कहा जाता है, फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना है, मर और मेड। मर यानी कि सागर और मेड यानी कि स्त्री, यानी कि एक ऐसी रचना जिसका धड़ तो स्त्री का होता है पर पैरों की जगह मछली की तरह पूंछ होती है। हालांकि कई लोक कथाओं में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। अगर बात लोक कथाओं की करें तो जल परियों को मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देता है। कई बार जल परियों को मदद करने वाली भी कहा जाता है। जल परियां दुनिया भर के कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती है, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जल परियों को कई बार तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। जल परियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व असायरिया में सुनने को मिलता है। इससे जुड़ी कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि देवी अटारगेटिस को ना चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा था, जिसे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जल परी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी। एक कहानी और है जहां अलेक्जेंडर की बहन थेसा लॉयनिक मरने के बाद जल परी बन गई थी। भारतीय रामायण के थाई और कंबोडिया संस्करण की माने तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब सुवर्ण मच्छा यानी कि सोने की जलपरी ने हनुमान जी के इस प्रयास को रोकने की तमाम कोशिशें की, पर वह विफल रही। कहा जाता है कि सुवर्ण मच्छा रावण की बेटी थी। प्राचीन चीनी कहानियों में जलपरियों के आंसुओं का मोतियों में बदल जाने का उल्लेख मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा ही इन जलपरियों के शिकार की तलाश में रहते थे, पर ये जलपरियां अपनी मधुर आवाज के संगीत से उन्हें पानी में खींच लेती थी। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा था। ये तो हुई मान्यताओं की बातें। आइए अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जलपरियों के अस्तित्व को बयां करती है। वैज्ञानिकों की राय ली जाए तो उनका मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो शायद उसने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को भी विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के दौर में इंसान में कई बदलाव देखे गए। इसी तरह सन 2012 में एनिमल प्लैनेट नाम के एक चैनल पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री की फुटेज में एक बार फिर सबके मन में जलपरियों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा जीव भी दिखा जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह था तो आधा मछली की तरह, जिसकी एक झलक वीडियो में भी कैद कर ली गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो तो केवल एक काल्पनिक वीडियो था, सच नहीं, क्योंकि अब तक जल परियों के पाए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। जल परी मिलने के किस्से एक या दो नहीं है। एक किस्सा आप लोगों ने भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जहां एक मृत जलपरी के शव मिलने की बात सामने आई थी। मिस्र के समुद्री तट से भी बिल्कुल वैसी ही जलपरियों के शव के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन बाद में सभी को अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां एक बच्चा दिखने में एकदम जलपरी जैसा पैदा हुआ था। ऊपरी भाग मनुष्य जैसा और निचले भाग में दोनों पैर जुड़े हुए किसी मछली की पूंछ की तरह दिखाई पड़ रहे थे। बदनसीबी से ये बच्चा केवल 10 मिनट तक ही जिंदा रह पाया। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का नाम साइरेनोमिलिया है, जिसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी कहानियां इन जलपरियों के होने या ना होने दोनों प्रकार की संभावनाएं जगाती हैं। मगर हाल फिलहाल में तो सच यही है कि जलपरियों के होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
इस पर खोजें लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक जलपरियों को लोक कथाओं से बाहर वास्तविक जीवन में नहीं लाया जा सका है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।